हाय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रोहित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में और इसके अंदर अपने स्टार्ट क्या चल रही थी, अपनी अपनी चल रही थी यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन। पिछला जो प्रीवियस जो अपना वीडियो था या जो अपनी पिछली जो क्लास थी वो क्लास किस बारे में थी अपनी, वह क्लास थी अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे जीवों के अंदर जनन और उसमें अपन ने पढ़ चुके थे एसेक्सुअल। अब बारी किसकी, सेक्सुअल की। पिछला वीडियो किस बारे में था, सेक्सुअल के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में अपना पिछला वीडियो था। आज हम बात करेंगे फेज ऑफ लाइफ की, यानी कि एक जो जीव होता है, आज हम बात करेंगे कि भाई एक जो जीव होता है उस जीव जो जीव होता है वो जो ऑर्गेनिज्म है अपनी जो होल लाइफ होती है उसके अंदर वो कितनी फेजों से गुजरता है, कितनी अवस्थाओं से वो गुजरता है अपने जीवन को जीने के लिए। यानी कि बात करेंगे एक ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है आज अपन उस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। फर्स्ट तो कि भाई ए सफिशियंट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन इज नेसेसरी फॉर लाइफ इन देयर लाइफ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई क्या होता है कि कोई भी जो जीव होता है उस जीव को क्या होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि जो लैंगिक जनन है उसके लिए क्या होता है, एक सफिशियंट पीरियड चाहिए रहता है जिसके अंदर क्या करता है, ग्रोथ करता है एंड मैच्योरेशन करता है यानी परिपक्व होता है। उसके बाद ही क्या कर सकता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। यानी कि क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बंदी कह सकते हैं अपन इसे, या अपने से इसमें रेस्ट्रिक्शन है क्या कि भैया जो जीव है उसकी ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ये क्या चीज है उसके लिए सफिशिएंट नेसेसरी है, उसके लिए क्या है नेसेसरी। यानी कि एक जीव तभी रिप्रोडक्शन कर पाएगा जब क्या होगा उसकी ग्रोथ एंड मैच्योरेशन से क्या हो चुका होगा, वो गुजर चुका होगा सफिशियंट पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, इससे वो गुजर चुका होगा। यानी कि बात कर रहे हैं अपन कि जो एक जीव होता है, एक ऑर्गेनिज्म में कुछ भी ले लो, जैसे बात कर रहे हैं अपन डॉग की बात कर रहे हैं, तो ये डॉग कब कर पाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कब कर पाएगा यानी अपनी संतति कब उत्पन्न कर पाएगा, जब इसने ये सफिशियंट पीरियड ऑफ जो ग्रोथ एंड मैच्योरेशन का था ये पार कर लिया हो। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं द ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू द लाइफ द फॉलोइंग स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। यानी कि क्या है कि द ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। यानी क्या होता है, कोई भी जो जीवन, कोई भी जो जीव होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है अपने जीवन चक्र में या अपनी जो लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल में क्या करता है निम्न अवस्थाओं से गुजरता है। अब वो अवस्थाएं कौन कौन सी, बेसिकली तीन स्टेज होती है जिनसे वो गुजरता है। चलिए बात करते हैं बायोलॉजिकली, बात कर रहा हूं बायोलॉजिकली कितनी होती है, तीन फेजेस है आपकी जो दी गई सिलेबस का कि भैया फर्स्ट जो फेज आती है इसे कहते हैं अपन जुबेलाइन फेज, सेकेंड जो फेज आती है उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। फर्स्ट तो क्या होगी आपकी जुबेलाइन फेज, सेकंड क्या होगी रिप्रोडक्टिव फेज, और जो थर्ड होती है आपकी वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी सेंसेस फेज। कौन सी, सेंसेस फेज, यानी कि जिसे अपन क्या कहते हैं जीर्णावस्था या ओल्ड स्टेज, नॉर्मल भाषा में कहते हैं ओल्ड स्टेज। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये तीन फेजेज होती है जिसमें क्या होता है जो कोई भी जो जीव होता है उसे क्या करना रहता है, पार करना रहता है। अब मैं जीव की बात यहाँ पर पेड़ पौधे से भी कर रहा हूँ और एनिमल से भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जीव का मतलब अपना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सर ने अगर जीव बोला है तो क्या होना चाहिए, हमें प्लांट की बात भी हो रही है और एनिमल की बात भी हो रही है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो पढ़ेंगे जुबेलाइन फेज के बारे में, तो क्या होती है उस बारे में देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जुबेलाइन फेज क्या होती, तो पढ़े इसके बारे में। चलिए, द प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जुबेलाइन फेज। यानी कि क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है, जो प्रोडक्टिव जो पीरियड होता है, यानी कि जो जनन जो अवस्था होती है, यानी जो रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि जो प्रजनन अवस्था से जो पहले का जो समय होता है किसी भी जीव का, वह क्या होगा, वह समय क्या कहलाती है, वह जो फेज होती है, वह अवस्था क्या कहलाती है, उसे कहते हैं जुबेलाइन फेज। हिंदी में से कहते हैं किशोर अवस्था। यानी कि क्या होता है, जब प्रजनन अवस्था से जो पहले की अवस्था कौन सी होती है, किशोर अवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इट द पीरियड फ्रॉम द बर्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ टिल द ऑर्गेनिज्म बिकम सक्सेसफुली सेक्सुअली मैच्योर। ठीक है, क्या होता है सेक्सुअली मैच्योर, यानी क्या होता है कि ये वो पीरियड है, यानी कि इट्स द पीरियड फ्रॉम किसी जीव के जन्म से लेकर उसके कब तक का समय होता है ये, भाई जो जुबेलाइन जो फेज होती है, ये फेज होता है भाई कोई जो जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वह उसके जन्म से यानी कि बर्थ से लेकर, जैसे कि बात कर रहे हैं अपन, बात कर लेते हैं कि भैया ये मार्कर है, ये क्या कोई ऑर्गेनिज्म है, तो जब तक ये क्या नहीं होगा, ये जो मार्कर है ये तब जब तक क्या नहीं होगा, जो फेज होगी इसकी जुबेलाइन जो फेज है वो कौन से फेज कहलाएगी, देखिए इस बारे में बात करते हैं अपन कि ये जो जीव है जब तक क्या होता है सेक्सुअली जो मैच्योर नहीं हो जाता,
भाई सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाता उससे पहले का, जस्ट पहले का जो समय होता है इसका, कब से, जन्म से जब तक ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो रहा उस बीच का जो टाइम होता है वो टाइम क्या कहलाता है आपका, जुबिलाइन फेज। क्या कहलाता है, जुबिलाइन फेज, ठीक है, यानी कि किशोर अवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मोटे तौर पर बात की जाए कि जब तक कोई जो जीव होता है ये किसके लिए, सेक्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाता, यानी कि किसके लिए, सेक्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाता, तब तक क्या होता है वो जो टाइम पीरियड होता है उसको वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इसका जुबिलाइन फेज, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इन द फेज देयर रैपिड फिजिकल ग्रोथ इन द ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी एंड रिसोर्सेज ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। भाई क्या होता है कि ये जो अवस्था होती है, ये इस अवस्था में क्या होता है, किसी जीव की क्या होती है, रैपिड फिजिकली ग्रोथ होती है, यानी कि किसी जीव का जो शारीरिक वृद्धि होती है तीव्र हो जाती है, एंड ऑलमोस्ट यानी कि उसके शरीर के अंदर जितने भी ऊर्जा के संसाधन जो होते हैं, ऊर्जा के ऊर्जा होगी उसकी जितनी भी एनर्जी होती है, शरीर की जो एनर्जी है वो किसी जीव के अंदर, भाई जैसे की बात करें इस जीव में जितने भी एनर्जी सोर्स है जिससे इसके पूरे शरीर को कार्य करने के लिए एनर्जी मिल रही है, वह सारी एनर्जी एंड जितने भी रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वह सभी कहाँ यूज हो जाते हैं, वह सभी यूज हो जाते हैं एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको फिजिकली क्या करने में, डेवलपमेंट करने में, ठीक है, क्या करने में, फिजिकली डेवलपमेंट करने में, यानी क्या होता है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कि बात करें अपन को एक जो जीव होता है उस जीव के शरीर का वृद्धि एंड विकास करने में जितनी भी ऊर्जा होती है उसकी, जितने भी उसके अंदर ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि एनर्जी एंड जो जितने भी रिसोर्सेज है इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूज आते हैं, ऑर्गेनिज्म यूज करता है, कौन सी फेज में होता है, ये जुबिलेन फेज में, यानी कि सारा का सारा ऊर्जा संसाधन जो भी सोर्सेज है वो सारे सारे यूज कर रहे हैं अपने शरीर के विकास में, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इन द प्लांट दिस फेज इज कॉल्ड वेजिटेटिव फेज, दिस फेज हैज डिफरेंट पीरियड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। भाई क्या होता है कि भाई ये जो जुबिलेन फेज है भाई ये किसके लिए यूज करेंगे अपन, एनिमल्स के लिए, एंड प्लांट्स के लिए जब बात आएगी तो क्या कहेंगे, प्लांट के लिए जो जुबिलेन फेज जो होती है वो फेज कौन सी होती है, वेजिटेटिव फेज, यानी कायिक अवस्था कहते हैं उसे। उसमें क्या होता है, वही प्लांट का शरीर क्या होगा, उसकी कायिक डेवलपमेंट होगा, उसका उसकी जो बॉडी का होगा वो शारीरिक वृद्धि होगी किसके अंदर, वेजिटेटिव फेज के अंदर, किसकी, एक प्लांट की, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, द फेज हैज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पीरियड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। भाई क्या होता है, अब ये जो फेज होता है कौन सा, जो जुबिलेन जो फेज है या जो वेजिटेटिव जो फेज होता है, ऐसा नहीं है कि हर जीव के लिए सेम है। भाई जैसे कि मैं बात करूं, आज मैं मनुष्य हूं, अपन ह्यूमेंस हैं, आप मैं सब क्या ह्यूमेन है, यानी कि हम सब मनुष्य जाति, तो क्या अपना जो जुबिलेन फेज अलग होगा, बात करें कुत्ते का, एक डॉग जो है उसका जुबिलेन फेज अलग होगा, एक बिल्ली का, एक गाय का, एक कबूतर का, जितने भी मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी कि ये जो फेज होता है, ये जो पीरियड होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग जीवों में अलग अलग होगा, ठीक है। कौन सा फेज, जुबिलेन फेज, ओके। तो इस प्रकार से क्या होगा, और क्या होता है, एक बात कि जो एनुअली जो प्लांट होते हैं भाई, जो एनुअली प्लांट होते हैं, यानी कि जिनकी जो उम्र होती है एक वर्ष से द्विवर्ष जो दो वर्ष होती है, यानी कि बात कर रहा हूं मैं एनुअल जो प्लांट है एंड बाई एनुअल प्लांट, यानी एक वर्ष पादप एंड द्विवर्ष पादप, ये जो पादप होते हैं इनमें क्या होता है, जो वेजिटेटिव जो फेज होती है बहुत छोटी होती है, बट बात करें अपन जो बहुवर्षीय जो पादप है, पीरियनियल जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो मल्टीवेरिएटेड जो प्लांट है या जो बहुवर्षीय जो पादप है, यानी कि जिनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है उन पादपों की, या वृक्षों की बात कर रहे हैं अपन, ट्रीज की, उनका क्या होता है, उनका जुबिलेन फेज बहुत लेट तक होता है, बहुत अधिक समय का होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो एक वर्षीय एंड द्विवर्षीय जो प्लांट्स होते हैं उनके जो जो वेजिटेटिव जो फेज होती है, पादप में तो वेजिटेटिव होगी ना, तो जो वेजिटेटिव जो फेज होती है वो क्या होती है, कम समय की होती है, एंड बात करें किसकी, जो ट्रीज होते हैं उनमें क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम की होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगी अपनी जुबिलेन फेज होगी। अब बात करेंगे अपन रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपनी सेकंड स्टेज के बारे में, सेकंड फेज के बारे में, जो कौन सी है, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। क्या अब देखते हैं इसके बारे में करते हैं, यानी कि इसे कहते हैं अपन प्रजनन अवस्था। अब इसके बारे में अपन देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक बार, तो पहले दिस इज द फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म आर केपेबल टू केपेबल रिप्रोडक्शन। यानी कि
यानी कि ये किसी जीव की जीवन चक्र की वह अवस्था होती है जिस अवस्था के अंदर क्या होता है, कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है आर केपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है यानी कि एक जो जीव होता है अपने जीवन काल में जिस अवस्था में जनन करने के लिए या सेक्स करने के लिए क्या होता है, केपेबल होता है, सक्षम हो जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रजनन अवस्था। ठीक है, क्या कहता है, प्रजनन अवस्था। चलिए बात करते हैं, द एंड ऑफ जुबिलेंट फेज इज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। यानी क्या होता है कि जो जुबिलेंट जो फेज थी उसका अंत जो होता है, उसका जो लास्ट होता है वही क्या है, रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है उसकी शुरुआत है, उसकी बिगिनिंग होती है। ठीक, मतलब कि ये है, हुआ ये कि जहां जुबिलेंट फेज खत्म होती है वहीं से क्या स्टार्ट हो जाती है, अपनी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ठीक, चलिए तो अब आप बात करते हैं अपना आगे, द इनिशियली पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमन इज कॉल्ड प्यूरिटी। ठीक है, आगे चलो, इन दिस फेज ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन बिकम फंक्शन एंड मैच्योर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि बात कर रहे हैं ह्यूमन्स के अंदर कि जो डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलिटी होता है यानी कि जो उसकी जो प्रजनन जो क्षमता होती है उसका जो स्टार्टिंग होती है, इनिशियल जो पीरियड होता है वो पीरियड क्या कहलाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। किनके अंदर, ह्यूमन्स के अंदर। यानी कि भाई इसका मतलब ये है कि जब पहली बार यानी कि द फर्स्ट टाइम यानी इनिशियल पीरियड जो होता है जब क्या होता है कोई भी ह्यूमन क्या होता है सक्षम हो जाता है सेक्स करने के लिए या किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो वो जो इनिशियली जो पीरियड होता है ना स्टार्टिंग का उसे कहते हैं प्यूबर्टी, या इसे कहते हैं यौवनारंभ। क्या कहते हैं, यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ह्यूमन्स के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर कहते हैं इन दिस फेज द सेक्सुअल ऑर्गन बिकम फंक्शन एंड मैच्योर। यानी यही वह फेज होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं यानी कि जो लैंगिक जनन जो अंग होते हैं, तो बात करें अगर मेल के अंदर तो मेल के अंदर क्या हो गया उसका जो पूरा का पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड बात करें फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, फीमेल के अंदर हो जाएगा उनका पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्या हो जाए, ये पूरे के जो ऑर्गन होते हैं ये फंक्शनल यानी कार्यशील हो जाते हैं एंड मेच्योर हो जाते हैं, यानी परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, फंक्शनली एंड मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, ड्यू टू दिस द सोमेटिक ग्रोथ एंड सोमेटिक डेवलपमेंट स्लो डाउन बिकॉज रिसोर्स एंड एनर्जी आर यूज इन द ऑर्गन इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। भाई क्या होता है, इस अवस्था के कारण क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है इस अवस्था के कारण क्या होता है, इस अवस्था के कारण जो हमारी कायिक जो वृद्धि होती है यानी कि सोमेटिक जो ग्रोथ होती है एंड जो कायिक जो विकास होता है यानी कि जो सोमेटिक डेवलपमेंट होता है आर स्लो डाउन बिकॉज रिसोर्स एंड एनर्जी। भाई जो एनर्जी है और जो रिसोर्स है आर यूज इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअली ऑर्गन। यानी कि क्या होता है कि इस अवस्था के दौरान अपनी जो कायिक वृद्धि होती है, अपना जो कायिक विकास होता है यानी कि अपने शरीर की जो वृद्धि है, अपने शरीर की जो ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो जुबिनाइल फेज में क्या हो रहा था कि जितने भी एनर्जी जितने भी रिसोर्स थे वो सारे के सारे यूज आ रहे थे अपनी कायिक विकास के अंदर, बट क्या हो रहा है रिप्रोडक्टिव फेज में वही एनर्जी वही जो रिसोर्स होते हैं वो सारे के सारे यूज किसके अंदर आते हैं, एक जीव यूज करता है उनका अपने सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, वो जो एनर्जी थी उसका कनेक्शन मतलब उसका कनेक्शन क्या हो गया, अब सेक्सुअल ऑर्गन में हो जाता है, तो उस जगह क्या होता है, स्लो डाउन हो जाती है, यानी कि सोमेटिक ग्रोथ एंड सोमेटिक डेवलपमेंट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे अपन, द ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग इन फ्लावरिंग प्लांट इज ए सिग्न ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज। मतलब क्या होता है कि जो पुष्प का आना, चलिए बात करते हैं अपन एक बार और, ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग इन फ्लावरिंग प्लांट इज अ साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज। यानी क्या होता है, जो पुष्पीय जो पादप होते हैं जिन पादपों के अंदर पुष्प का निर्माण होता है उनमें क्या होता है, जो फ्लावरिंग का जो ऑनसेट होता है यानी ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग यानी पुष्पन का आना, फूलों का आना, ये क्या किस बात का संकेत है, इस बात का संकेत है कि वो जो पादप है वो पादप क्या हो गया, उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज में। जैसे बात करें अपन ने यहां ले लिया गुलाब का पादप, अपने देखा कि कुछ गुलाब के पादप में क्या आ रहे हैं, फूल आ गए, इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लावरिंग की क्रिया चल रही है। ठीक है, फ्लावरिंग हो चुकी है इसके अंदर, तो इसका मतलब आप क्या सोचो,
भैया ये जो प्लांट है, ये जो गुलाब का जो पादप है, ये भैया अपनी किस कौन से स्टेज के अंदर है? ये अपनी स्टेज के अंदर है, रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए बात करते हैं अपन। अब ऐसे अपन बात कर सकते हैं एक बार मनुष्य के लिए, ह्यूमंस के लिए। भाई मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो व्यक्ति जो होते हैं, जो भी ह्यूमंस होते हैं, जैसे बात करें अपन बॉयज की बात करें, बॉयज में क्या होता है कि जब उनके जो बियर्ड वगैरह दाढ़ी वगैरह आने लग जाती है, ठीक है, तब क्या अपन मानते हैं भैया हाँ, अभी ये क्या है, मैच्योर हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, यानी किस हिसाब से परिपक्व हो चुका है भाई, ये सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है भाई, इसकी कौन सी अवस्था चल रही, प्रजनन अवस्था में आ गया ये भाई, जुबिलेंट फेज को छोड़कर कौन सी अवस्था में आ गया, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। चलिए बात करते हैं अपन, अब आगे चलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। भाई क्या होता है कि अलग अलग जीवों में क्या होता है, ये जो समय अवधि होती है, कौन सी समय अवधि, रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है, ये अलग अलग होती है भाई। कैसे भाई, जैसे बात करें कुत्ते के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा वह अलग समय के लिए होगा, अलग अवधि में होगा भाई, ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग टाइम होता है, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल अलग अलग होती है, उनका जीवन चक्र भी अलग अलग होता है, ठीक है। कैसे बात करें भाई, चूहा हो गया उसका जीवन कम समय का होता है, ठीक है, खरगोश का हो गया उसका जीवन अलग काल अलग समय, अपन ह्यूमंस हो गए, ब्लू व्हेल होगी, बात करें हाथी, मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये जो पीरियड होता है, कौन सा रिप्रोडक्टिव जो पीरियड होता है, ये क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि अलग अलग जीवों में ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है, ये भी क्या होती है, अलग अलग समय में होती है, ठीक है। किसी की रिप्रोडक्टिव फेज जल्दी स्टार्ट हो जाती है, किसी की रिप्रोडक्टिव फेज लेट स्टार्ट होती है, इस प्रकार से क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होती है। अब क्या है देखिए, इसके अंदर आपके दो चीजें हैं कि भैया प्लांट में जो पुष्प के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। ऐसे क्या है, जो मनुष्य की जो प्रजनन क्षमता है भाई, किस मौसम के अनुसार ये प्रजनन कर सकता है, उसमें क्या है, मनुष्य में नहीं एनिमल्स की बात कर रहा हूं, सॉरी एनिमल्स में क्या होता है कि दो कैटेगरीज में इन्हें बांटा गया है, एक तो वो जो किसी भी मौसम में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, एक वो एनिमल्स जो सिर्फ एक निश्चित मौसम में प्रजनन करते हैं और संतति जन्म देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हें सीजनल ब्रीडर में और कंटिन्यूस ब्रीडर में बांटा गया। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अपन अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे पूरे को अच्छे से, ठीक है। तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज में आप ये दो चीजें अपन को पढ़नी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन तीसरी फेज के बारे में, तीसरी फेज कौन सी अपनी, तीसरी जो फेज है अपनी सेंसेस फेज है, यानी कि बात करें जीर्ण अवस्था है। चलिए बात करते हैं जीर्ण अवस्था के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपन अपनी तीसरी अवस्था, सेंसेस अवस्था या सेंसेंट अवस्था फेज, ठीक है। यानी कि जीर्ण अवस्था, या अपन ऐसे क्या कहते हैं नॉर्मली भाषा में वृद्धावस्था भी कहते हैं, यानी कि बुढ़ापे वाला टाइम है ये, क्या है, बुढ़ापे वाला टाइम। चलिए बात करते हैं बुढ़ापे वाले टाइम की बात करो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेंसेट फेज के बारे में अपन, कि द थर्ड एंड फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या होता है, किसी भी जीव का अंतिम और आखिरी जो थर्ड एंड फाइनल स्टेज, यानी कि आखिरी अंतिम लास्ट और तीसरा जो अवस्था होती है, जो थर्ड फेज जो होती है, वो कौन सी होती है, थर्ड एंड फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, सनसेट फेज होती है, ठीक है। किसी भी जीव की तीसरी और सबसे लास्ट जो फेज होती है सनसेट फेज। इन द सनसेट फेज इट इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या होता है ये, पोस्ट मतलब कि बाद वाला, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव जो फेज होती है, यानी कि जो प्रजनन अवस्था होती है, उसके बाद का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है आपका, ये होता है सनसेट फेज। यानी कि क्या हो गया कि जो सनसेट फेज होती है, ये वह समय होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, यानी कि ये प्रजनन जो अवस्था होती है उसके बाद का समय होता है, ठीक है, उसके बाद की अवस्था होती है। चलिए बात करते हैं आगे। इन दिस फेज फर्टिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज रिड्यूस्ड और इलिमिनेटेड आर ऑल्सो रिड्यूस ऑफ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी क्या होता है भाई, ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर क्या होता है, किसी जीव के जो सेक्सुअली जो ऑर्गन होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी जो निषेचन करने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो फर्टिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं,
ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या होता है रिड्यूस यानी कम हो जाता है, एलिमिनेटेड मतलब अपहासित हो जाते हैं, यानी क्या होता है धीरे धीरे कम हो जाती है। कौन सी फेज में? सेंसिटिव फेज में। अभी तो होता है कि भैया 40-50 पार के बाद क्या होता है फर्टिलिटी कम हो जाती है, जो वुमेन्स वगैरह में तो ओवम बनना क्या होता है ओवम नहीं बनते, ठीक है। कब की बात है ये? 48 की बात होती है। किसके अंदर होता है ये? वुमेन्स के अंदर, ठीक है। ऐसे मेन्स के अंदर भी होता है, टाइम आता है जब क्या होता है उसके अंदर क्या होता है वो फर्टिलिटी के लिए तैयार नहीं होता है, या बात करें इसके अंदर की जो फर्टिलिटी होती है वो कहते हैं रिड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड हो चुकी होती है। चलिए बात करते हैं अब कि ये तो हो गया भी, उसकी निषेचन क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है और अपहासित हो जाती है सेंसेटिव फेज के दौरान। अब बात करते हैं आल्सो रिड्यूस ऑफ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर कैपेसिटी, यानी कि उसके जो संरचनात्मक होता है, यानी कि उसके जो शरीर की पूरी स्ट्रक्चर है, पूरा जो भाग है उसके संरचना मतलब उसके शरीर की जो स्ट्रक्चर है पूरी, एंड बात करें उसके जो कार्य यानी कि उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उस कैपेसिटी में भी क्या हो जाते हैं कम हो जाती है। आर रिड्यूस्ड ऑफ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी जीव के बात करिए किसी जीव के कार्य करने की जो क्षमता है और उसके जो संरचनात्मक जो हिस्सा है उसके पार्ट है, यानी कि जो उसकी जो पूरी संरचनात्मक पूरा जो स्ट्रक्चर है किसी जीव का, वो सब क्या होते हैं धीरे धीरे कम हो जाते हैं एलिमिनेटेड हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अपन एज ए रिजल्ट द ऑर्गेनिज्म गेट डेथ एंड द एंड ऑफ हिज लाइफ। इस प्रकार क्या होता है, इसके कारण क्या होता है सेंसेटिव फेज के कारण जो जीव होता है उसकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है उसके जीवन के अंतिम समय में, ठीक है। यानी उसका जो एंड ऑफ द हिज लाइफ क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है, क्यों? क्योंकि अब उसने अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया है, यानी कि वह सेंसेटिव फेज को प्राप्त कर चुका है। चलिए बात करते हैं अपन अब भाई बात करें मेजरली बात की जाए, ठीक है, एक जीव की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है, जुबिलेंट फेज भी होता है, रिप्रोडक्टिव फेज भी होता है एंड सेंसेटिव फेज भी होती है, बट ये फेजे क्रम वाइज कैसे भाई, ऐसा कैसे हो पा रहा है कि एक जीव के अंदर जुबिलेंट फेज के बाद ही क्या आ रही है सेंसेटिव फेज आ रही है, मतलब जुबिलेंट के बाद ही रिप्रोडक्टिव फेज आ रही है एक, और जो रिप्रोडक्टिव फेज उसके बाद ही सेंसेटिव फेज आ रही है, यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे भाई, एक जो बच्चा होता है डायरेक्ट बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज क्यों आ रही है उसके अंदर, इसका रीजन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, बहुत बड़ा अच्छा रीजन है, मतलब कहने का मतलब ये। चलिए बात करते हैं अपन अब कि हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द दीज मेजर स्टेज ऑफ लाइफ इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि बात की जाए जो पादप हो ये जंतु दो ही चीजें पृथ्वी पर बात करें तो भाई एक तो प्लांट से एनिमल से इनके अलावा क्या है पृथ्वी पर कुछ भी नहीं, तो बात कर रहे हैं अपन कि बोथ प्लांट एंड एनिमल इनमें जो अवस्थाएं पाई जाएगी 3 स्टेज भाई प्लांट में पाई जाएगी या एनिमल में पाई जाएगी, और तो कोई है नहीं भाई निर्जीव जो चीजें उनमें थोड़ी पाई जाती है, तो क्या होता है कि जो बोथ प्लांट एंड जो एनिमल होता है उनकी जो अवस्थाएं जीवन की ये जो 3 स्टेज है जुबिलेंट फेज या वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज एंड बात करें अपन किस बारे में सेंसेटिव फेज के बारे में, ये 3 अवस्थाओं के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके हार्मोन्स यानी उसके शरीर के अंदर बनने वाले हार्मोन, यानी कि हार्मोन ही है जो हमारी जो जुबिलेंट फेज के बाद कौन सी अवस्था लाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज लाएंगे, उसके बाद कौन सी अवस्था लाएंगे सेंसेटिव फेज लाएंगे। ये हार्मोन क्या करते हैं अपने मस्तिष्क को क्या करते हैं उस चीज के लिए निर्देश देते हैं संकेत देते हैं, ठीक है, कि भैया अब लाई जाए भैया बच्चे ने क्या कर ली बच्चे ने किस अवस्था पार की जन्म अवस्था लाओ, ये सब कौन बताता है एक हार्मोन बताता है, ठीक। यानी कि बात करें अगर मेजर तौर पर बात की जाए कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर स्टेट ऑफ लाइफ इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। इस प्रकार से क्या होता है ये 3 अपने अवस्थाएं पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है, ये किसी भी जीव के अंदर बात करें अपन प्लांट के अंदर या बात करें एनिमल के अंदर ये 3 अवस्थाएं होती है, इन 3 अवस्थाओं के बाद क्या होता है एक जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अपने जीवन की अंतिम अवस्था में, ठीक है। इस प्रकार से एक जीव अपना क्या करता है जीवन पूरा करता है, मैं हो गया मैं भी इसी प्रकार से अपना जीवन पूरा करूंगा, आप हो गए, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है बात करें जीव है बात करें प्लांट की बात कर लो या बात कर लो जंतु की बात कर लो, वह सभी क्या है इसी प्रकार से अपना जीवन क्या करते हैं पूर्ण करते हैं, यानी कि 3 स्टेज के बाद उन्हें मरना होता है। ये क्या है अपने पढ़ा था स्टार्टिंग में चैप्टर के फर्स्ट में कि भैया क्या होता है सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है ये क्या डेथ, तो भैया इन 3 अवस्थाओं के बाद क्या होता है एक जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा टॉपिक था अपना ये था
फेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की अवस्थाएं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन अपना जो वीडियो होगा रिप्रोडक्टिव फेज में जो अपना रह गया मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक सीजनल एंड कंटिन्यूस जो ब्रीडर है उनके बारे में, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो में या जो टॉपिक अपने पढ़ाया है इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, या अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। टॉपिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हो, चीजें समझ में आ रही हो, चीजें क्लियर हो रही होती जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और ज्ञान अपने दोस्तों तक तो पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, तो अपने दोस्तों तक भी ज्ञान पहुंचाओ, मतलब क्या करना है शेयर करना है, ठीक है। ये तीन चीजें अपने करनी, ज्यादा कुछ नहीं है, ये तीन काम आपको करने हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।